अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी के चैप्टर 4 और 5 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करनी है। अगर चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है कंपेयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाल, यानी कि आपने प्राइमरी और सेकेंडरी वाल के दरमियान में डिफरेंस करना है। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन है कंपेयर क्रोमाटिन एंड क्रोमोसोम। सेवन शॉर्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। एट क्वेश्चन है कंपेयर क्रिस्टी एंड सिस्टर्नी। आगे हमारे पास चैप्टर 4 का 9 शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलीसोम म्यूरिन ऑटोफेगोसोम स्टोरेज डिजीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने 8 की जगह 9 लिखना है। आगे हमारे पास चैप्टर 4 का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल वॉल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चैप्टर 4 के टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि इस चैप्टर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आपने जब चैप्टर 4 को याद करना है तो आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन को ज़रूर करना है। आगे हमारे पास है चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन सेल वॉल। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फोर्थ लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फाइव लॉन्ग क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन प्लास्टिड्स। सिक्स लॉन्ग क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड ईकैरियोटिक सेल वॉल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा वीआईपी है। अगर किसी स्टूडेंट ने चैप्टर 4 को नहीं करना है तो उसने क्या करना है कि 6 लॉन्ग क्वेश्चन को ज़रूर करना है, क्योंकि इस लॉन्ग क्वेश्चन के आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है कंपेयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल 7 लॉन्ग क्वेश्चन थे जो कि आपके चैप्टर 4 के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने इन लॉन्ग क्वेश्चन को ज़रूर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 5। अगर इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, इसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्पीशीज। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हु इंट्रोड्यूस्ड इट। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है राइट डाउन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्रायोन्स एंड वायरस। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैप्सिड। सिक्स हमारे पास है राइट नेम्स ऑफ एनी 4 वायरल डिजीजेज। सेवन्थ शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ओब्लिगेट पैरासाइट। तो ये हमारे पास थे चैप्टर 5 के 7 शॉर्ट क्वेश्चन। आगे हमारे पास है चैप्टर 5 के लॉन्ग क्वेश्चंस। इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ड्रा इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV। और थर्ड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है राइट अ नोट ऑन हेपाटाइटिस। और अगर आपको लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज वाला टॉपिक चाहिए हो तो वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां से जाके इस टॉपिक को जो है ले सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।